हेलो बच्चों, अब आप पढ़ने जा रहे हैं अपनी क्लास का चैप्टर 37 अश्वत्थामा। अगर अभी तक आपने मेरे को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अश्वत्थामा ने दुर्योधन के सामने क्या प्रतिज्ञा की? तो उत्तर है, अश्वत्थामा ने दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा की कि वह आज रात ही पांडवों को नष्ट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अश्वत्थामा कौन था? तो उत्तर है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 3 है, अश्वत्थामा ने पांडवों को नष्ट करने की प्रतिज्ञा क्यों ली? तो उत्तर है, पांडवों ने कुचक्र रचकर उसके पिता द्रोणाचार्य को मारा था, यह जानकर अश्वत्थामा ने पांडवों को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली। क्वेश्चन नंबर 4 है, पांडव वीरों के मारे जाने पर दुर्योधन ने अश्वत्थामा से क्या कहा? तो उत्तर है, पांडव वीरों के मारे जाने पर दुर्योधन बहुत खुश हुए। उन्होंने अश्वत्थामा से कहा, गुरु भाई, आपने मेरी खातिर वह काम किया जो भीष्म पितामह और महावीर कर्ण भी नहीं कर सके। क्वेश्चन नंबर 5 है, अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने का क्या उपाय सोचा? तो उत्तर है, अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं अपने पिता की हत्या करने वाले दुष्ट पांडवों को उनके संगी साथियों समेत एक साथ क्यों ना मार डालूं? अभी वह सब शिविर में सो रहे होंगे, इस समय उनका वध करना मेरे लिए आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अश्वत्थामा ने इस दुष्ट कार्य में उसका साथ किसने दिया? तो उत्तर है, अश्वत्थामा के इस कार्य में उसका साथ कृपाचार्य और कृतवर्मा ने दिया।